देश में लोकतंत्र की हत्या हर रोज देखने को मिलती है, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, कहीं पे भी हो, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मुझे एक शेर याद आया जो हम सब पे लागू होता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। साथियों, अब वो समय आ गया है जब हम सबको सरफरोश बनना है, सर पे कफन बांध के चलना है और उस सरफरोश की जो शहादत है वो देनी है। आज शरद जी के चाहने वाले, लोकतंत्र के चाहने वाले, वो यहाँ पे हम सब लोग, ये आज का दिन जो है कसम खाने का दिन है, ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में कि लोकतंत्रिक जनता दल की स्थापना हुई है और हमें शरद जी के देश के हाथ मजबूत करने हैं, देश को मजबूत करना है। अगर लोकतंत्र है तो देश है। आज आप सब जानते हैं कि भारत को, हमारी सरकार को कौन चला रहा है? कुछ चंद परिवार, जो चार पांच परिवार हैं, जो अमीरजादे हैं, नाम मैं बोलूं या ना बोलूं, अंबानी का नाम लूं, अडानी का नाम लूं, आप सब जानते हैं कौन सरकार चला रहा है, कौन देश चला रहा है और किस हित में चल रही है सरकार। सिर्फ अमीरों के हित में सरकार चल रही है। गुंडा सर्विस टैक्स, जिसको GST जनरल सर्विस टैक्स बोला जाता है, मैं उसको गुंडा सर्विस टैक्स बोलता हूँ, उसने सबकी हालत पूरी कर दी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, सबके सर के ऊपर दिन ब दिन भार लादा जा रहा है। और आज आपने देख लिया कर्नाटक में क्या हुआ, इससे पहले गोवा में क्या हुआ था, नागालैंड में क्या हुआ, दिन ब दिन वही बात, लोकतंत्र की हत्या। और शरद जी ने बीड़ा उठाया था संविधान बचाओ, देश बचाओ, अब लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। संविधान है तो देश है, लोकतंत्र है तो देश है। हम सब हैं तो संविधान की वजह से हैं। आज एक जाति को दूसरी जाति को निशाना बनाया जा रहा है, आज कुछ माइनॉरिटीज को उनका जीनोसाइड किया जा रहा है, चाहे वो कश्मीर में हो, जम्मू कश्मीर से आता हूं और कश्मीर के बारे में ना बोलूं, जम्मू के बारे में ना बोलूं तो शायद कुछ बात बनती नहीं है। आज क्या हो रहा है, एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और कुछ जगह ऐसी है जहां पे जो भी हमारे साथी हैं या माइनॉरिटी से हैं उनकी हत्या की जा रही है। उनकी हत्या नहीं, ये संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। संविधान के हिसाब से जो भी इस देश का वासी है उसका पूरा हक है, लेकिन वो हक हमें नहीं मिल रहा, वो हक हर शख्स को नहीं मिल रहा, वो हक अगर देखा जाए तो उस हक को, उसके हक के मालिक चंद लोग हैं। हम सब को यहाँ पे पुतलियां हैं, हमें लचाया जा रहा है, हम लोग नाच रहे हैं, लेकिन वो सिलसिला नहीं है। शरद जी ने बीड़ा उठाया है कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और सब हम सब उनके साथ हैं। इस नायाब काम में ये सिर्फ प्रदेश से कुछ डेलीगेट्स आए हैं, बाकी जो लोग हैं वो प्रदेशों में बैठे हुए हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि जो सबसे जरूरी बात है कि सदस्यता बहुत जरूरी है, किसी भी संगठन को चलाने के लिए सदस्यता करना बहुत जरूरी है। और हमें चाहिए कि अपने अपने प्रदेश में जाके, अपने अपने जिला में जाके, गांव में जाके, तालुका में जाके, हमें अपना वहां पे सदस्यता करनी है। अब यहां से जाके हमें चुप करके नहीं बैठना, हमें अपने अपने प्रदेश में, अपने इलाके में जाके लोगों से संपर्क करना है, लोगों से मिलना है,
उनसे मुलाकात करनी है और उनको अपना जो हमारा प्रोग्राम है उसके बारे में बताना है। आज मीडिया का जमाना है, मीडिया के माध्यम से कुछ चंद पार्टियां जिन्होंने अपने चैनल्स बना रखे हैं वो सारा दिन उन्हीं पार्टीज का कार्य दिखाते हैं। इसलिए हमें संपर्क करना है लोगों से, हमें संपर्क करना है जनता से। अगर संपर्क जनता से नहीं होता तो संगठन नहीं बनता, इसलिए बहुत जरूरी है। और मैं आखिर में, बहुत लोगों ने बोलना है, बहुत मेरे साथी हैं यहाँ पे जिनको बोलना है, आखिर मैं ये कहूंगा, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल पे होता है चमन में दिदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। मैं पिछली बार भी बोला था, दिदावर तो बहुत पहले पैदा हुआ था लेकिन लोगों को कदर नहीं आई, वो दिदावर हमारे बीच अभी आने वाले हैं शरद जी, और हमें उनका साथ देना है, कंधे से कंधा लगा के उनके साथ चलना है।